सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे यहाँ पे। आप चेकआउट से तो डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। गाइस, मेरा नाम नावल है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 के बारे में। आज प्रीलिम्स का पेपर 1 और 2 होने वाला था और हो चुका है, बहुत लोगों ने अपीयर करा होगा। तो पेपर मेरे सामने ही है, सेट बी है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस को भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हिस्ट्री का जो है, यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री है मेरे पास जो सेट बी है, सेट बी के हिसाब से आप देख सकते हो, और हम कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको मार्क करवाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया, भावावती, हस्तिमाली और केशव महाराज फेमस जो है, वो इसका जो आंसर है वो बी है, प्ले राइट्स क्लियर। सिर्फ मैं आपको बता दूंगा जो जो आंसर की है, जो मैंने रिसर्च करी है, जो मुझे दिखा है, उसका उसके बेसिस पे मैं आंसर दूंगा। ऑब्वियसली यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आएगी वो तो क्लियर करेगी, पर ये एक टेंटेटिव है कि ये जो है ये आंसर हो सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप अपना असेसमेंट कर सकते हो कि आपके कितने आ रहे होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 में। और ये पहला क्वेश्चन का जो है ये बी है इसका आंसर, प्ले राइट्स का। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे माउंटिंग चैम्स फॉर रिफॉर्म्स जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि पहले वाले में वुमेन का अलाउड ही नहीं था, वोटिंग राइट्स की कहाँ बात आई, तो ये पहला वाला गलत हो जाता है, तो इसका आंसर भी बी होगा। उसके बाद अगर हम सी की बात करें, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 8 अगस्त 1942 में इंडियन हिस्ट्री में कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर 1 है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है अडॉप्ट करा गया था AICC के द्वारा। उसके अगर बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजनर, एक ट्रांसलेशन जो एंशंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स का हुआ था इंग्लिश में, तो मेरे हिसाब से ये गांधी जी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। इसके अलावा अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, ये है आपका मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन जो है आया, तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है इसमें, तो इसका आंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, इसका शायद सी है, सूबा, सरकार, परगाना जो है, यहाँ पे मुगल एम्पायर जो डिवाइडेड था, अगर प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो भागों में डिवाइड था, फिर भी ये इसको आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है इसका जो आंसर है। हम सिक्स की बात करें तो ये आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल, जो बाद में आपका बैंथनी फीमेल स्कूल हो गया था, तो इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सेवन्थ की अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉलोनियल इंडिया की बात करें, तो शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श दिलोन सिंह जो है बहुत रिमेम्बर करे जाते हैं, किस चीज़ के लिए रिमेम्बर करे जाते हैं, ऑफिसर्स से इंडियन नेवी आर्मी के। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन होगा ये, अगेन हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन इस बार बहुत आए हैं, 20 आई थिंक 20 क्वेश्चन आ गए कुछ, तो ये जो 8th क्वेश्चन है ये रेफरेंस दे रहा है इंडियन हिस्ट्री को, स्टेटमेंट्स है इसमें, तो स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट है निज़ाम ऑफ अर्कोट इमर्ज हुआ था हैदराबाद स्टेट से, सेकंड है मैसूर किंगडम इमर्ज हुआ था विजयनगर एम्पायर से, और थर्ड है रोहिलखंड किंगडम आया था आपका टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी, तो इसका पूछा है कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो मेरे हिसाब से इसका ए होना चाहिए, मतलब 1 एंड 2, थर्ड जो है वो गलत है। इसके अलावा यहाँ पे 9th के बारे में बात करें, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है,
तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, अजंता केव जो है गॉड से निकलता है वगोरा रिवर के। इसके बाद अगर हम बात करें 10th की क्वेश्चन, अगर बात करें 10th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कुछ अगर बात करूँ पहला पार्ट का, तो ये पहला पार्ट गलत है इसका 10th क्वेश्चन का। 21st फेब जो है डिक्लेयर हैज IML इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ नहीं करता ये, ठीक है, चाइल्ड वाला है ये नहीं करता, कल्चर वाला करता है, यूनेस्को करता है ये, ठीक है, बाकी सब सही है। सेकेंड वाला कन्फ्यूजन है, यहाँ पे बांग्ला जो नेशनल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, पाकिस्तान की, आई थिंक बी होना चाहिए इसका आंसर। पर मंथ की बात करें तो इसमें टेम्पल दे रखा है चौथा योगिनी टेम्पल जो है मोरेना के पास। ये बेसिकली इसका जो आंसर है वो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, 1 और 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की जो है 12th क्वेश्चन, ये बेसिकली आपका अगेन हिस्ट्री से पूछा गया है, तो ये वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट की बात करता है, ये तो धोलावीरा में ही थी, ठीक है, ये हमने अपने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा 13th क्वेश्चन की हम बात करें, तो इसका आंसर जो है होना चाहिए ए, 17th सेंचुरी में फर्स्ट क्वार्टर मतलब स्टार्टिंग में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्हें फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी कुछ, तो बरूज था मेरे हिसाब से जिन्होंने सेटअप करा था। तो ये आपका 13th का ए होगा मेरे हिसाब से, 14th का बी होगा, क्योंकि ये आप देखो डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज जो थे अंटिल द राइज ऑफ अली 7th सेंचुरी, फॉलोइंग किंगडम जो होल्ड करती है पावर नॉर्दर्न इंडिया में, तो इसमें आपका जो होना चाहिए वो देखो मगध थी उस टाइम पे, थर्ड आपका थानेश्वर भी थी, कनौज भी थी, और 6th वल्लभ भी थी, तो इसका मतलब बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके ने कुछ मार्क करा है और आप श्योर आपने पढ़ा हुआ है, तो आप उसको भी सर्कल कर लेना। इसके अलावा 15th की अगर हम बात करें, तो ये पोर्चुगीज राइटर जो था नूनेस, जो भी इसका नाम था, वुमेन विजयनगर एम्पायर में एक्सपर्ट थी किस चीज़ में, तो इसका आंसर है, स्पेसिफिक आंसर है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो ये सब में थी सही, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग की, और ये तो विजयनगर से भी, ये मिडिवल का इंडिया का क्वेश्चन है। 16th की अगर हम बात करें, तो रेफरेंस दिया है मंडपैली ऑफ आंध्र प्रदेश, कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके रिगार्डिंग, तो मंडपैली की जो स्टेटमेंट रिगार्डिंग सही है वो है सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट करा था नेशनल एंथम बंगाली से इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आई थिंक जो होगा 17th क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे आप देखो फॉलोइंग पेयर्स की बात कर रहा है, हिस्टोरिकल प्लेस भी है और किसके लिए जाने जाते हैं, तो 17th का डी होगा, सेकेंड और थर्ड गणेश जो है कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए जाना जाता है, चंद्र केतु घर जो है टेराकोटा आर्ट के लिए जाना जाता है। 18th की बात करें, तो ये आपका जो है अगेन ये मिडिवल का क्वेश्चन है, तो अगर आप देखो मिडिवल का क्वेश्चन ये जो है, इसमें आपका जो पहला स्टेटमेंट है कि रेन ऑफ इल्तुतमिश चंगेज खान रीच कर गए थे इंडस में, और वहाँ पे वो ख्वारज्म प्रिंस के लिए गए थे, उनको हरा दिया था उन्होंने, तो ये स्टेटमेंट सही है। और सेकेंड और थर्ड की अगर हम बात करें, तो ये गलत है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। इसके अलावा 19th की बात करें, सेंट फ्रांसिस जेवियर, इसका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेंट फ्रांसिस जेवियर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जेसुइट ऑर्डर, सेकेंड वाला गलत है, डाइड इन गोवा चर्च, ठीक है। थर्ड वाला इसका सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी।
इसके अलावा जो बात करें 20वां क्वेश्चन जो है, ये सीधा सीधा लॉ से उठा दिया है। लॉ में फैमिली लॉ एक चैप्टर आता है, उसमें मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल पढ़ाया गया था। ये मेरे हिसाब से यूपीएससी ने इसलिए पूछा क्योंकि हिंदू कोड जो है, हिंदू बिल बहुत ही ज़्यादा था, इनहेरिटेंस जो दे रखे गर्ल्स को और बॉयज़ को जो इक्वल पास करा था, उसी मेरे हिसाब से उसी वजह से उन्हें डाला होगा इस बार। तो इसका जो है फर्स्ट वाला गलत है, सिविल लॉ अपर कास्ट लोअर कास्ट के लिए दयाबाग ऐसा कुछ नहीं था। तो एलिमिनेशन के हिसाब से फर्स्ट और फर्स्ट मतलब ए और सी ख़त्म हो जाता है। तो बचता क्या है? तो बचता है सेकंड और थर्ड। तो सन क्लेम कर सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ फादर, वेयर इज द दयाभाग सिस्टम इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर दैट सन कैन क्लेम ऑल राइट। ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली ऑफ अ फैमिली, वेयर इज दयाभाग सिस्टम विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ। नहीं, ये चीज़ गलत हो जाती है। अब चेंजेस के बाद तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, क्योंकि पहले तो मिताक्षरा में ऐसे चेंजेस थे कि मेल होल्ड करते थे प्रॉपर्टी, बट फिर बाद में भी फीमेल को भी अलाउ कर दिया जब 2005 का आया था। तो मेरे हिसाब से इसका बी होना चाहिए। की बात करें इकोनॉमिक्स, फाइनली इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई जो मनी मल्टीप्लाई होता है इकोनॉमी में इंक्रीज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसका आंसर आई थिंक 21st का जो होगा वो सी होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, ये है आपका विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है किस वजह से कॉज होता है। यहाँ पे कुछ कोड दे रखे हैं, इसको मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। तो इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से 22 का ए। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी ये वजह से होता है, फाइनेंशियल फिस्कल स्टिमुलस की वजह से भी होता है, और फोर्थ है हाई परचेजिंग पावर की वजह से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें 23rd क्वेश्चन का, बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स सही है अगेन, और इसमें जो होना चाहिए मेरे हिसाब से बी होना चाहिए आंसर। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स जो है डीमैट अकाउंट की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं टी बिल्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, डेब्ट बॉन्ड्स में, प्राइमरी मार्केट पे। और सेकेंड भी सही है, नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम जो है आरबीआई का प्लेटफॉर्म जो है वो सही है। इसके अलावा अगर बात करें 24th के बारे में, तो यहाँ पे आपका वाटर क्रेडिट जो है इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है कि जो माइक्रो फाइनेंस है और ये सैनिटेशन वर्क पे काम करता है, और थर्ड वाला भी सही है इसका, बी वाला गलत है। तो इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। 25th की बात करें तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक फंक्शन जो है लास्ट रिजॉर्ट है, और ये किससे रेफर करा जाता है, किस फॉलोइंग से रेफर करा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है कि वो लिक्विडिटी देता है बैंक्स को टेम्प्रेरी क्राइसिस के लिए, ये सही है, ठीक है ना। 26 की अगर बात करें कोड ऑफ प्रैक्टिस R2, कोड ऑफ प्रैक्टिस जो एक टूल है अडॉप्ट करता है, प्रमोट करता है किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर ए होता है, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पे है। उसके अलावा यहाँ पे 27th की अगर बात करें जो कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आप देखो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स की बात करें तो इसका क्या कंसर्न है ये पूछा गया था। तो इसका आंसर होना चाहिए, तीनों होना चाहिए इसमें, लिथेल जो है आपका रिलीज होती है यहाँ से, कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में आती है, कॉपर स्लैग जो है कॉज करती है लीचिंग कुछ हैवी मेटल्स का एनवायरनमेंट में, और इसकी वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो पॉल्यूटेंट है मेजर। 28 का भी साइंस से रिलेटेड है, फर्नेस ऑयल किस जो स्टेटमेंट है उससे जो स्टेटमेंट दी है कौन सा सही है फर्नेस ऑयल की रिगार्डिंग।
तो इसका अगेन डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरी का, जनरेट करता है पावर को, कुछ इंडस्ट्री यूज़ करती है इसको, और ये सल्फर एमिशन डालता है आपका एनवायरनमेंट में। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 29th क्वेश्चन है, इसमें ब्लू कार्बन के बारे में पूछा गया था। तो ब्लू कार्बन, और वैसे तो ब्लैक कार्बन बहुत न्यूज़ था और ब्लू कार्बन भी न्यूज़ में था, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, ब्लू से ब्लू इकोनॉमी वाटर से रिलेटेड होती है, तो ऑब्वियसली वाटर के बारे में बात करेगा। तो वाटर, इस अगर आप ऑप्शन में देखो तो ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम से आप रिलेट कर सकते हो, तो कार्बन कैप्चर जो ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम ने करा है उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। 30 की बात करें, 30 का कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें? बेसिकली फॉलोइंग जो सर्वाइवल है सॉइल में, विदाउट सॉइल जो है, सॉइल के बिना जो सर्वाइव कर जाए कौन सा होगा? तो इसमें जो आंसर है वो होगा बी, लीचन। लीचन सर्वाइव करता है विदाउट। इसके अलावा 31st की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इकोनॉमी से पूछा गया था, और यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए पहला और तीसरा सही है, कि गवर्नर जो आरबीआई का अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नर आरबीआई का ड्रॉ करती है पावर आरबीआई के एक्ट से। ठीक है, पर बी इसका गलत हो जाता है, 31st का है। ठीक है, 31st के बाद 32 पर जा रहे हैं हम, तो ये आपका मेरे हिसाब से इसका सेकेंड और थर्ड होना चाहिए। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स का जो एम्प्लॉयड है, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए इसका आंसर, और सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट जो है इंटाइटल फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कैजुअल वर्कर्स भी आते हैं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं आते, पर तब भी इसको आप सर्कल कर सकते हो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम 33 पे। तो इसका जो है सिंपल आंसर है इसका, कौन से स्टेप्स से जो लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, तो 33 का बी है, एक्सपेंडिचर कहा जाता है पब्लिक प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा 34 की बात करें, तो अदर आइटम्स रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड इफ फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ प्राइस सब्सिट्यूट इंक्रीज होता है, और जब प्राइस गिरता है तो। इसके अलावा 35th जो है इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन जो आया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें इंडिया में, तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है इसमें? तो इसका बी है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन 1946 वाला और बी वाला। 36 की बात करें, तो इसमें पूछा गया था इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड के बारे में, किससे इन्फ्लुएंस होती है, तो ये तीनों से होती है, जो एक्शंस यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व लेता है, आरबीआई लेता है, इन्फ्लेशन जो होता है उससे ये सारे इम्पैक्ट रहते हैं। 37 की बात करें, तो 37 का इसमें जो है इकोनॉमिक्स सही है, ये आपका फर्स्ट है स्टेटमेंट, जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, FII है जो सेकंड है, और थर्ड है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये तीनों FDI का पार्ट है, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट नहीं है। 38 के बात करें, तो 38 में आपका ये अगेन डिवेल्यूशन पे है, करेंसी का डिवेल्यूशन कैसे, मतलब इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, ये पूछा गया था। तो इसमें एक ही सही है स्टेटमेंट, पहला कि ये इम्प्रूव करता है कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स में फॉरेन मार्केट पे। 39 की बात करें, 39 में बता रखा है वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स जो है अगर क्रिएट होती है ब्लैक मार्केट इंडिया में, तो मेन कॉज है वरी का गवर्नमेंट के लिए, तो क्या फॉलोइंग इफेक्ट हो सकता है? तो 39 का जो है वो डी है, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेंजर ड्यू टू टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन जो है भार आप स्विस बैंक पर डालते, तो
कौन सा ये इसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स का क्या हो सकता है? तो डी इसका आंसर क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। 41 की बात करें तो 41 में पूछा गया था कि नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट क्या है। 41 का आई थिंक सी होना चाहिए, लेमन ग्रास। उसके बाद ये आपका जो है ऑर्गेनिज्म पे है, अगेन साइंस से रिलेटेड है, तो इसका साइंस और इन्वायरमेंट से दोनों से। 42 का होना चाहिए आई थिंक, बी होना चाहिए सेकेंड और थर्ड साइन। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है फूड फूड चेन्स के ओशंस में, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा 43 की बात करें, 43 में आपका ये बोला है कि जो फॉलोइंग एनिमल्स हैं जो आपको दे रखे हैं, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बींग कैप्चर बाई प्रेडेटर्स, कौन से अब ऑर्गेनिज्म रोल अप करे गए, प्रोटेक्ट करे गए। तो यहाँ पे 43rd का जो आंसर है वो है आपका डी, फर्स्ट और थर्ड, हैकहॉग और पैंगुलिन। 44 की बात करें, न्यूयॉर्क, सॉरी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो फॉरेस्ट होता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप देखो तो ए स्टेटमेंट सही है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ पॉइंट सही है। ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट हुआ था 2014 में, जो फर्स्ट इंडोज हुआ था, इसमें सेकेंड पॉइंट भी सही है। इंडोज करता है ग्लोबल टाइम लाइन जो एंड करता है लॉस ऑफ फॉरेस्ट, और लास्ट सेकेंड लास्ट जो है फोर्थ पॉइंट वो भी सही है कि इंडोज हुआ था गवर्नमेंट और बिग कंपनीज और इंडिजिनियस कम्युनिटी के द्वारा। बाइंडिंग तो नहीं है ये, और इंडिया वॉसो नहीं है, ये भी नहीं है। 45th की अगर हम बात करें तो इसका मैग्नेटाइट पर्टिकुलर्स पे है, ये बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन, और इसमें डी ऑप्शन सही है। इसके अलावा बात करें 46 की, तो यहाँ पे 46 क्वेश्चन जो है, कौन सा फिल्टर फेडर है, तो आई थिंक 46 का सी होना चाहिए, ऑस्टर। 47 की बात करें तो कौन सा ये इसमें मेथडिंग का जो होता है रॉक्स का मेन सोर्स है रिलीज ऑफ न्यूट्रिशन टू एंटर इनटू द साइकिल। तो ये आपने साइकिल्स पढ़ी होंगी शंकर में, उसी का क्वेश्चन है, फॉस्फोरस साइकिल में होता है ऐसा। इसके अलावा 48 की बात करें तो इसमें अगेन ही एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, डेट्रो जो है ये कौन से फॉलोइंग है, उसमें करेक्ट आंसर कौन कौन सा है। तो 48 का जो है सी है, वन मतलब अर्थवर्म्स, थर्ड आपका मिलीपेड्स, और फिफ्थ मतलब शी हॉर्स। इसके अलावा यहाँ पे 49 की बात करें, कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्ट जो है यूएनईपी करता है, तो 49 का ए है, जो बेसिकली कॉमन कार्बन मेट्रिक जो है यूएनईपी ने जो डेवलप करा है वो असेस करता है कार्बन फुटप्रिंट जो बिल्ड करता है ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा 50 की बात करें, 50वें क्वेश्चन की बात करें, तो स्पीशीज इनका सिम्बायोटिक रिलेशन है ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इसका डी है आंसर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है पॉलिटी से आ रही है, अब न्यूज़ पॉलिटी से न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी भी अच्छी मात्रा में आया। तो 51 क्वेश्चन जो है, इसमें ये पूछा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो वायलेट किसको करता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को करता है। बहुत सही क्वेश्चन था ये। 52nd क्वेश्चन की बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में क्या पोजीशन है, तो ये राइट लीगल राइट है, ये पहले फंडामेंटल राइट होता था 1951 के टाइम पे, फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे इसको हटा दिया गया था, इसकी भी हिस्ट्री है आप देख लेना, पर ये अब लीगल राइट है जो अवेलेबल है सिटीजन को, ठीक है। अगर बात करें जो भारत रत्न पद्म अवार्ड्स पे है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत मतलब सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइटल्स जो है जितने भी टाइटल्स है अबॉलिश कर दिए थे, पर एक्सेप्शन है आर्टिकल 18 में, चेकआउट कर लेना आप फिर भी। 57 की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 57 में जो क्वेश्चन पूछा गया था,
इसमें जो होना चाहिए, स्टेटमेंट वन गलत है, स्टेटमेंट टू सही है। तो स्टेटमेंट टू करेक्ट है, डी आंसर है इसका। 58 की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं 58 में, वर्ल्ड स्पोर्ट्स में पूछा गया था, जो अवार्ड मिला था 2000 को, तो यहाँ पे आंसर डी है। आंसर एक मिनट, सॉरी, 58 का आई थिंक सी होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए। एक तो टाइगर वुड्स को मिला था और एक रॉजर फ्रेजर को मिला था। 59th क्वेश्चन जो है वो अगेन स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो आई थिंक इसका जो 59th का आंसर है वो बी होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट नहीं है। 60 की बात करें तो 60 का भी डी होना चाहिए, नाइदर वन और टू, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन पे है। 61 की बात करें तो यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे को लग रहा है फर्स्ट है इसका आंसर, पर इसका सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, तो उसको आप मार्क कर लो ना, मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए इसका। 62nd की बात करें तो ये लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैंने देखे थे लॉ से स्पेसिफिकली क्वेश्चन है, तो बी इसका आंसर सही होगा, ए इसका नहीं है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में आपको जेल में रखा जाता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट के अंदर होते हो आप। पुलिस कस्टडी में आप पुलिस के अंदर होते हो, जुडिशियल कस्टडी में आप मैजिस्ट्रेट के अंदर होते हो, जो कि आप आर्यन खान के अभी जो केस है उसमें आप सुन सकते हो। 63rd की बात करें, ये भी अगेन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पे 63rd में बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करें 64th के बारे में, 64th का यहाँ पे जो मैंने पीटी 365 गवर्नमेंट स्कीम्स में भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसी से क्वेश्चन उठाया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है ये आपका शेड्यूल ट्राइब्स वाला, और रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर। नेक्स्ट है आपका 65th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स से उठाया सीधा क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बोल सकते हो, ट्रिकी इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है अगर कंफर्म करता है एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, और एक अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर आती है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है एक तरह से आप देखो, तो अगर सेपरेशन ऑफ वायलेशन है तो ये किसके अंडर आएगा, ये आई थिंक आर्टिकल 32 के अंडर आएगा। आर्टिकल 44 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे है, आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी पे है, और आपका 28 तो कल्चर और माइनॉरिटी राइट्स पे है। इसके अलावा जो 66 क्वेश्चन है पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी एक एसेंशियल फीचर है जो इंडिकेट करता है फेडरल स्ट्रक्चर कैरेक्टर में, ये आप देखो तो मैंने ये अब कवर करा था अपने पॉलिटी वाले लेक्चर में, तो प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी इसका आंसर है, उसमें मैं इंडियन पॉलिटी के चार लेक्चर है, रूल ऑफ लॉ, इंडियन पॉलिटी का कैसे कैरेक्टर है, वो मैंने प्लेलिस्ट में समझा रखा है, अगर आप देखो तो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा पीटी 365 गवर्नमेंट स्कीम्स का भी, और इसका भी डाल दूंगा आपके बेनिफिट के लिए। तो फिलहाल इसके आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि एसेंशियल फीचर जो फेडरल इन कैरेक्टर है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफ गार्ड करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है ए पार्ट। इसके अलावा 67 की बात करें तो ये स्टेट के बारे में डेफिनेशन पूछ रहा था, बेस्ट डिफाइन द स्टेट, इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये आपका आई थिंक आर्टिकल 12 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये भी लक्ष्मीकांत का पार्ट है, आप देख सकते हो वहाँ पे बी इसका आंसर है मेरे हिसाब से, मैं श्योर हूँ इसका 67 का बी है। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल जो डिफाइन करती है टेरिटरी और पोजेस करती है एक अथॉरिटी जो गवर्न करते हैं मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। 68 की बात करें, ये भी अगेन पॉलिटी जुडिशरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 68 की बात करें तो कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज कॉल बैक कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है बाय CJI, और यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की परमिशन होनी चाहिए, ये सही है। सेकंड वाला भी सही है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, तो इसका सी है। 69 की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ए इसका आंसर सही है, बी और सी गलत है, तो इसका ए पार्ट हो जाएगा। 70 की बात करें, 70 क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट, आई थिंक इसका सेपरेशन ऑफ पावर होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा लिबर्टी का जो है। अगेन नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम 71st,
अब ये हम एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट से सवाना के बारे में पूछा है, जिसमें ग्रासलैंड, स्कैटर, स्मॉल ट्रीज जैसी चीज़ें हैं, और इसमें कुछ फॉलोइंग कंडीशन दे रखी है, जैसे फायर, ग्रेजिंग, हबीबोर, सीजनल रेन और सॉइल प्रॉपर्टी। तो 71st का जो आंसर है ये होना चाहिए, सेकेंड वाला फायर वाला सही है, ग्रेजिंग हबीबोर्स भी सही है, और आई थिंक फोर्थ भी सही है, सीजनल रेनफॉल, तो सीजन का आंसर हो गया। अब प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, और अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस के ग्लेशियर इज मोर, तो इसका सी आंसर, ठीक है। 72 72 का सी, तो आई थिंक पहला वाला गलत है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं, इसका जो आंसर है वो बी है, फाइनल आंसर, इसका आंसर बी है। 73rd की बात करें तो यहाँ पे आपका अगेन इन्वायरमेंट से ही है, 73rd में भी ऑप्शन बहुत दे रखे हैं, तो इसमें आप देखो तो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा है और इसका आंसर सी होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। 74th की बात करें, ब्लैक कॉटन सॉइल जो इंडिया का है वो फॉर्म्ड होता है वेदरिंग ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वॉल्केनिक रॉक की वजह से, तभी वहाँ पूरा इसको ब्लैक सॉइल बुलाते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो, बहुत इजी है, ज्योग्राफी में पढ़ाई है। 75th के बारे में बात करें तो ये आपका वैक्सीन्स के ऊपर है, डेवलपमेंट रिगार्डिंग री कॉम्पोनेंट वैक्टर वैक्सीन जो है, तो ये सी इसका है, बोथ वन एंड टू, बैक्टीरिया वायरसेस आर वैक्टर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड टू, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैंने कवर करा है उसमें जो जुलाई और अगस्त में, उसमें वैक्सीन्स के बारे में मेंशन था ये, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो। 76 के बारे में बात करें जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन हेरिडिटरी डिजीज पे है, तो इसका आंसर जो है पहला तो गलत है, इसका दूसरा आंसर सही है, बी इसका आंसर होना चाहिए। 77 की बात करें, बॉलोगार्ड वन टेक्नोलॉजी, इसका आंसर बी है, बॉलोगार्ड वन और टू का बी है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें 78th की, तो प्रेशर कुकर जो टेम्परेचर पे जब कुक कराया जाता है वो डिपेंड करता है कौन से फॉलोइंग उस पे, तो इसका है ए, एरिया ऑफ होल इन द लिक, और सेकंड है ए टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। 79th की बात करें तो इसका आंसर ए होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड बैक्टीरिया फंगाई, ये सिंथेटिक मीडियम है। अगर बात करें 80 की क्वेश्चन की बारे में बात करें, 80 वाले क्वेश्चन की, तो ये आपका बी सही है, इसमें कॉमन कोल्ड जो है कॉज होता है, कॉज करता है एंड्रोनो वायरस, जहाँ पे अगर बात करें दूसरी अगर जगह बात करें, एड्स जो है रेटो वायरस की वजह से कॉज होता है, ठीक है। 81st की बात करें तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 81st का, पर्मा कल्चर फार्मिंग डिफरेंट कैसे है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से, तो उसका इसका बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सही है, ठीक है। पर्मा कल्चर के बारे में था, फार्मिंग जो होता है, तो इसी वजह से इनका जो आंसर है वो आपका बी बन जाता है। इसके बाद 82nd की बात करें तो इसका अगर पाम ऑयल के बारे में बात करें, 82nd का भी बी है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट वाला गलत है। पाम ऑयल रॉ मटेरियल है जो लिपस्टिक इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे जो प्रोड्यूस करते हैं लिपस्टिक और परफ्यूम को, और ये यूज़ होते हैं बायोडीजल में भी। 83rd की बात करें तो ये ज्योग्राफी से उठाया है क्वेश्चन, ठीक है, रिवर इंडियन इंडस रिवर सिस्टम पे है, फॉलोइंग फोर रिवर्स थ्री, इसका जो आंसर है वो डी है आई थिंक। 84 की बात करें तो इसका भी जो है आंसर सारे सलाइन लेक्स हैं। इसके अलावा 85th के बारे में बात करें तो इसका ईस्टर्न घाट के बारे में बात करें, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 85th का ए होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड ब्राह्मणी और नागावली, ठीक है। 86 की बात करें तो ये आपका रेयर अर्थ मिनरल्स और सेकेंड और थर्ड, इसका जो होना चाहिए 68 का बी होना चाहिए, सेकेंड और थर्ड, पहला वाला गलत है, और इंडिया रिसीव लाइसेंस फ्रॉम सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर्स, रेयर अर्थ आर प्रेजेंट, ठीक है।
87 की बात करें तो ये विच वन इज़ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, तो शुगर केन 87। 88 की बात करें, 88 का जो है ये अगेन ज्योग्राफी का है, 88 का ए है इसका आंसर, फर्स्ट वाला सही है। ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन जो है वार्म होता है, जो ईस्टर्न सेक्शन है वो आपका इन्फ्लुएंस होता है ट्रेड विंड से। 9th क्वेश्चन जो है आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे, तो यहाँ पे आप देखो तो इसमें तीनों आई थिंक सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 90 की बात करें, 90 क्वेश्चन जो है जो कि अगेन आपका इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड है, 90 का भी डी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है। 91st की बात करें, वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, तो इसका आंसर ए है, डाईपोलर इन नेचर। 92nd की बात करें तो उसका सी है, ये एलईडी लाइट के बारे में, हाउ डू सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम एलईडी, तो उसका सी है। ठीक है, इसके अलावा 93rd की बात करें तो ACE2 क्या है, ये वायरल डिजीज है। 94 की बात करें तो इसका बी है, साइंस। इसकी 95th क्वेश्चन की, ट्राइसोलोन जो है हार्मफुल है जब वो एक्सपोज होता है हाई लेवल ऑफ लॉन्ग टाइम, तो इसका आंसर डी होगा। तो जिसने डी मार्क करा है उनके लिए बहुत सही है। रिसेंटली अभी एक आईआईटी में रिसर्च हुई थी, उसमें ये पाया गया था जहाँ तक मुझे याद है, आईआईटी हैदराबाद ने स्टडी करा था इस केमिकल को, और ये न्यूज़ में था। अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें, ये भी साइंस एंड टेक्निक्स से रिलेटेड है, और इसका आंसर बी डी होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज द सेम। तो क्वेश्चन आप देख लो ना, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर्स, तो इसका कैलकुलेशन जो भी करने के बाद डी आंसर आ जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे अगेन ये पॉलिटी पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 97th क्वेश्चन जो है, अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मोड ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डस आर मॉडल डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश वन, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। रिगार्ड टू लेजिस्लेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सुप्रीम सॉवरन है, बट इंडियन पार्लियामेंट जो है लिमिटेड लेजिस्लेशन पावर है। सेकेंड वाला गलत हो जाता है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98th क्वेश्चन जो है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो डी है। इसके अलावा यहाँ पे जो अगर बात करें, 99th क्वेश्चन है, इसका सी आंसर है, आर्टिकल 21 के अंडर आता है राइट टू प्राइवेसी, और इसका आई थिंक एक जजमेंट भी आई थी, पुट्टो स्वामी वाली जजमेंट 2017 की, 100 जो लास्ट है इसका सेंचुरी वाला। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो तीन ऑप्शन है, इन इंडिया देर इज़ नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम थ्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सही है, 1991 लोकसभा इलेक्शन शीला नहीं, ठीक है, इसका ए आंसर है। तो इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना।